ये एक ब्रीफिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग द इंसिडेंट जो कल हुआ था। जैसे सभी आप लोगों को पता है, पब्लिक को भी पता था कि मंगपू से दो लड़कियां वो थोड़ा मिसिंग हो गई थी, प्रियंशा राय एंड वियतना तमांग, एज 13 एंड 12 इयर्स। तो उसी के बारे में एक ही ब्रीफिंग है, हम जस्ट बताना चाहते हैं कि कैसे डिटेक्शन हुआ था और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आगे जाके फैमिली मेंबर्स को, पब्लिक को। तो ज्यादा डिटेल में ना बता के कि दो बच्चियां खुद ही अपने घर से वो थोड़ा भाग गए थे, लेटर भी छोड़ दिया था कि हम काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन लगभग अभी मतलब अराउंड 9 सुबह हमें हमारे ओसी मंकू जो है बिजॉय थामी, इनको मिली थी, और हमारे जो OCRR हैं इफ्तिकार। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके तुरंत ही लोकेशन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। नियर बाय की जो डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस हैं, कैलिम्पोंग पुलिस, सिक्किम पुलिस एंड सिलीगुड़ी कमिश्नरेट्स वगैरह, इनको हमने मैसेजेस भेज दिए थे अलॉन्ग विथ पिक्चर्स। क्योंकि जो इनिशियल ये टाइम होता है स्टार्टिंग का, दिस इज द मोस्ट क्रूशल कि भाई कहीं ज्यादा दूर बच्चे भाग ना जाएं। तो जो उनका बेसिक जो मूवमेंट रहा था वो रम्बी बाजार से लेके रंगपू से लेके गैंगटॉक तक था, मतलब दार्जिलिंग से कैलिम्पोंग को सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में था। तो इसमें हमारे जो OC है विजय थामी, काम में लगे हुए थे कि बच्चे बस किसी तरह रिकवर हो जाए। तो इसमें वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आप लोगों के माध्यम से कैलिम्पोंग पुलिस एंड सिक्किम पुलिस, जिन्होंने इसमें हमें खूब हेल्प किया। जो जो हमें सपोर्ट चाहिए था, जहां जहां उनका मूवमेंट ट्रैक करना था, CCTV फुटेजेस वगैरह, तो उनके जो भी OCs हैं, रंगपू OC हो गया एंड साइबर क्राइम PS कैलिम्पोंग एंड देवराली PS सिक्किम, वी वुड लाइक टू थैंक देम कि यार इसमें बच्चों को लोकेट करने में उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। एंड हम थोड़ा बस ये बताना चाहते हैं कि जैसे कुछ कुछ इसमें जो उनको लिफ्ट वगैरह दिया गया है, तो पब्लिक से हमारे रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसे बच्चे आपको जो लग रहा है कि बहुत छोटे हैं और आपसे रिक्वेस्ट लिफ्ट वगैरह मांग रहे हैं बहुत दूर जाने के लिए, जैसे यहां से वो रंगपू से लेके गैंगटॉक के लिए जो लिफ्ट मांग, तो प्लीज काइंडली एक बार या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए या फिर पेरेंट्स को बता दीजिए, उनसे पूछ लीजिए उनका क्या मोटिव है। ऐसे मतलब बिना इन्फॉर्मेशन कैसे किसी को लिफ्ट मत दीजिए, या आपको लग रहा है कि कोई बच्चे मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ इस पोजीशन में नहीं होने चाहिए थे और इतना दूर जा रहे हैं, तो काइंडली इन्फॉर्म द पेरेंट्स, इन्फॉर्म द पुलिस। क्योंकि माँ बाप को लिए भी एक हम एक आपकी तरफ से बोलना चाहते हैं कि प्लीज अपने बच्चों से बात कीजिए समय समय पर, टीचर से बात कीजिए कि बच्चे क्या मतलब जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी थिंकिंग क्या है, कि बच्चों में इस एज में 13, 10, 13, 12 में इतनी समझ नहीं होती है। तो काइंडली प्लीज उनसे बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए कि बच्चों की इसमें गलती नहीं है, उनकी समझ नहीं थी, वो तो बस अपना काम ढूंढने के लिए बचपने में चले गए। बट प्लीज ये सभी से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से एंड टीचर्स से, एंड हमारे जो दोनों OCs है इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया इसमें, मतलब बहुत फास्ट डिटेक्शन था, एक ही दिन में ये मतलब डिटेक्ट हो गया। तो प्रोसीजर जो हमारा होता है उनका मतलब केस रिकॉर्ड वगैरह जो हुआ आफ्टर दैट, मेडिकल का जो प्रॉपर जो हमारा प्रोसीजर होता है वो उनका हुआ है। तो उन्होंने भी मतलब वही था कि मतलब ऐसे नहीं कि उन्हें कोई बहला फुसला के ले गया, वो अपना मतलब बस काम ढूंढने गए कि मन किया कि काम ढूंढेंगे, तो सोचा कि सिक्किम जाते हैं तो सिक्किम चले गए। तो ऐसा कोई इल इंटेंशन किसी आदमी का नहीं था कि उनको मतलब किडनैप कर लिया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या कोई इंसिडेंट हुआ, वैसा कुछ भी नहीं था, वो बस अपने ही बचकने में मतलब मंकू से वहां से चले गए। अंडर द गाइडेन्स अफ द सुपिरियर सिनियर अफिसरले हामीलाई गाइड गर्नुभयो, उहाँको गाइडेन्स अनुसारले हामीले CCTV फुटेजदेखि लिएर समस्त चिजहरू गयौँ, मान्छेहरूलाई ट्र्याकिङ गर्नु, CCTV कलेक्सन गर्नु, इन्फर्मेसन दिनु, अल कन्सर्न PSहरूमा इन्फर्मेसन दिनुदेखि सबै हामीले गर्यौँ जो जो हामीलाई नेसेसरी छ। साथैमा त्यहाँदेखि हामीले विशेष थ्याङ्क यू चाहिँ अब कालिम्पोङ पुलिसले गरेको छ, जुन चाहिँ अब लक्ष्मण पोखरेलको नाम नलिन सकिँदैन, लक्ष्मण पोखरेलले हामीलाई धेरै नै हेल्प गरेको छ र सिक्किम पुलिसको मिस्टर भोटियाले धेरै नै हेल्प गर्नुभएको छ र प्लस त्यहाँको एनजिओले नै हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ। त्यहाँ उसको जस्तो सोध्नुभयो कि त्यो सरले अघिबाट पनि भन्नुभयो कि नानीहरूलाई नसोधिकन कसैले लिफ्ट नदिनुहोस्, काइन्डली सरले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ त्यो कुरो चाहिँ सबैले बुझिदिनुहोस्, किनभने नानीहरू एउटा एउटा बचपना हुन्छ, बचपनामा कहीँ जानु खोज्छ, त्यति बेला एउटा हाम्रो ठुलो गार्जियन भएपछि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ त्यो नानीहरूलाई लिएर आएर चाहिँ कुनै सेफ जग्गामा राख्नु या पुलिसलाई दिनु या दिनु पुलिस थानामा इन्फर्मेसन दिनु या उसको प्यारेन्ट्सहरूलाई खोजेर ह्यान्डओभर गरिदिनु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो ठुलो काम हुन्छ।
र अर्को कुरो चाहिँ उहाँहरूको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नानीहरूको एकदमै राम्रो छ. नानीहरू एकदम पढ्नुमा एउटा सब्जेक्टको फेल पनि भएको थियो, प्लस अन्त त्यहाँदेखि एउटा चिठी लेखिओरिकन चाहिँ उनीहरू चाहिँ म काम खोज्न जान्छु भनेर चाहिँ काम गर्नुको लागि चाहिँ गान्तोक गएको थियो. यसमा ह्युमन ट्राफिकिङको सब्जेक्ट चाहिँ मैले हामीले इन्भेस्टिगेसनमा पाएको छैन. उनीहरूको नानीहरू चाहिँ बात गरेँ, नानीलाई थरोली हामीले इन्ट्रोगेसन गर्दाखेरि हामीले कुनै प्रकारको फाउल प्ले बिहाइन्ड फाउल प्ले हामीले पायौँ न, र नानीहरूले आफ्नो बचपनामा त्यो गरेको कुरो हो र यसले आफ्नो आफ्नो प्यारेन्टले पनि उसलाई धेरै धेरै सोध्यो, धेरै एङ्गलबाट सोद्धाखेरि नानीले त्यही नै भन्यो. फिक्स काम भन्दाखेरि यिनीहरू अब पहिला यिनीहरू घुम्नु जान्थ्यो आफ्नो नानीहरूको त्यतातिर, जाँदाखेरि तिनीहरूले सुन्यो घरमा चाहिँ गएको हो. के भन्दाखेरि यसमा म बेसी केही पनि बोल्नु चाहदिनँ, किनभने मेरो सिनियर हुँदा हुँदा मैले बोल्नु मिल्दैन हो, र तपाईँले सरले जो जति भन्नुभयो त्यहाँदेखि म भन्न सक्दिनँ केही पनि. सर फ्री राइड ही था, जो बच्चे दोनों गए थे वो अपने अपने साथ थोड़ा कैश लेके गए थे, तो वो पेमेंट बेसिस पे हुआ है. वो था कि जिसने लिफ्ट दी उन्होंने भी सस्पेक्ट नहीं किया, कि उन्होंने भी गुड इंटेंशन में लिफ्ट दे के कि चलो छोड़ देते हैं, गैंगटॉक साइड जा रहे हैं तो छोड़ दिया. हमारा बस रिक्वेस्ट यही है कि अगर किसी को दिख रहा है कि कोई बच्चे इतने दूर से लिफ्ट मांग रहे हैं, तो विदाउट क्वेश्चनिंग देम कि आप लोग क्यों कहां जाना चाहते हैं, किस मोटिव से जा रहे हैं, उनको ऐसे ही लिफ्ट मत दे दीजिए. इतने छोटी एज के बच्चे हैं, आप पूछेंगे नहीं कि भाई कहां जा रहे हैं, पेरेंट्स से बात एक बार कर लीजिए कि हाँ ठीक है आपके बच्चे जा रहे हैं क्या हम छोड़ दें, तो उस हिसाब से फिर मतलब सब एक्ट करें. तो मतलब नहीं तो हम उनको और पहले ही पकड़ लेते अगर वो जिन्होंने लिफ्ट दिया है वो थोड़ा अगर मतलब थोड़ा सा भी अपना मतलब कॉमन सेंस वगैरह लगा लेते, बट उन्होंने भी गुड इंटेंशन में छोड़ दिया, तो ऐसा कोई फाउल प्ले उनकी तरफ से नहीं है. टैक्सी बट हमने आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द सिंडिकेट्स, जो भी दार्जिलिंग एरिया के एंड कालिम्पोंग के जो सिंडिकेट्स हैं उन्होंने भी हमने इन्फॉर्मेशन रिले कर दी थी हमारे ग्रुप में कि काइंडली जो भी अगर वो क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था कि टैक्सी में गए हैं कि जब तक सीसीटीवी फुटेजेस नहीं मिले थे कि पर्सनल व्हीकल में गए हैं, तो उनको भी हम थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उन्होंने भी एकदम तुरंत हमारा ये मतलब रिक्वेस्ट लेके अपने अपने ग्रुप्स में डाल दिया था कि ये जो फोटोज में अगर बच्चे कहीं भी दिख जाए तो मतलब हमें बता दे. तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम. शाम हो गया बस ले रहे थे और मतलब उतरे चढ़े, उनको बस ये था कि हमें गैंगटॉक पहुंचना है. किसी गाड़ी और बहुत सारी गाड़ी नहीं, दो तीन गाड़ी चेंज किया था वो बीच बीच में, जो गाड़ी जहां तक जा रही थी वहां से उतर के फिर नए गाड़ी में चढ़ के चले. मतलब हमारे टेन्योर में तो ऐसा फर्स्ट टाइम ही है कि कोई बच्चे इतना मतलब बचपने में पूरा ही अपने आप सोच साच के कि भाई काम करेंगे और चले गए. मतलब मेरे टेन्योर में तो फर्स्ट टाइम क्या काम करेगा ये कुछ बोला नहीं, बच्चों में इतनी समझ तो नहीं होती कि क्या काम करेगा.